नमस्कार, मैं मानस मिश्रा और इन से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब आया उन पहाड़ के नीचे। जी हाँ, ये कहावत जो है वो चीन के लिए है और आज भारत ने वाकई में चीन को कैसे अपनी चेटियों में दबाया है आपको दिखाएंगे। और आखिरकार जो एलओसी पर चीन अब तक हमें आंख दिखाता था, आज भारत जहां जो ताइवान और चीन युद्ध में उलझा हुआ है, ताइवान चीन युद्ध में उलझा हुआ है ताइवान, तो आज भारत ने एलएसी से लेकर एलओसी तक वही नीति अपनाई जो चीन करता था। चीन हमसे पाकिस्तान के साथ उलझा करके पीओके को लेकर के सीपेक को लेकर जो कुछ कर रहा था, भारत ने आज वही खेला खेला है। आपको दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको ये पूरा का पूरा खेल। और एक तरफ आज पाकिस्तान ताइवान को लेकर के चीन के सपोर्ट में तो बोला और कहा कि वो उसका आंतरिक मामला है, तो भारत ने भी दे दिया है जमा जोरदार तमाचा। क्योंकि जो चीन कश्मीर को लेकर के यूनाइटेड नेशन में जाता था और बार बार चीन कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर के पीओके को लेकर के बयान देता था, और आज ताइवान आंतरिक मामला है चीन का, वन चाइना पॉलिसी की बात करता है, लेकिन आज भारत ने इन दोनों मसले पर सीधे तौर पर चीन का बड़ा काम तमाम किया है। छोटा काम नहीं, क्या किया है, इसी पर खेला आपको दिखाते हैं। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया के रूप में जय हिंद लिखिएगा और आज ये वीडियो हर एक फोन तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आज वाकई में चीन की कमर को तोड़ने वाली है और ड्रैगन को कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहा है भारत। उसी की भाषा में आज करारा जवाब दे रहा है। दिखाते हैं पूरी वीडियो। आपको बता दें, ताइवान के मसले पर, ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। चीन ने अमेरिका के नैन्सी पॉलिसी के दौरे पर विरोध में ताइवान अमेरिका को देख लेने की धमकी दे डाली। इस बीच भारत में भी अब ताइवान पर बहस छिड़ गई थी। भारत कैसे ताइवान के जरिए पाक चीन को सबक सिखा सकता है, एलएसी पर हरकतों पर बदला ले सकता है, ये सारी चीजें चल रही थी। चीन की धमकियों के बावजूद अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पॉलिसी मंगलवार को ताइवान के दौरे पर पहुंची थी। इससे बीच चीन भड़क गया और तब से वो ताइवान और अमेरिका को देख लेने की सिर्फ धमकियां दे रहा है। चीन ने ताइवान को घेर कर 6 स्थानों पर सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जो उसकी दबाव बनाने की रणनीति के तहत देखा जा रहा था। इसी घटनाक्रम पर भारत भी नजर बनाए हुए हैं। भले ही इस मुद्दे पर भारत की तरफ से कोई बयान प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली हो, लेकिन आपको बता दें इन सबके बीच में परंतु भारत ने अंदर ही अंदर ताइवान पर चीन की नीतियों को लेकर राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं देखने को मिल रही है। भारत ने अब तक ताइवान को औपचारिक रूप से मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन उसने ये भी संकेत दिए हैं कि वो चाइना की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन भी नहीं करता है। ताइवान एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब इस समय दे रहा है। दरअसल जो ताइवान का मुद्दा है वो ठीक चीन के ठीक वैसा ही है जैसा कि भारत का जम्मू कश्मीर है। अंतर सिर्फ इतना है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और ताइवान स्वायत्त द्वीप है। चीन जबरदस्ती ताइवान पर अपना हाथ जताता रहा है और कुछ ऐसा ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर मुद्दे पर करता रहा है। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का चीन के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है। वर्ष 2010 की बात करें तो चीन भारत के मुद्दों के तब काफी तनाव देखने को मिला था, जब बीजिंग ने भारत की संप्रभुता को लेकर चुनौती देते हुए कश्मीर की स्थिति पर एक भारतीय सैनिक कमांडर को वीजा देने से भी इनकार कर दिया था। इसी वर्ष फरवरी माह में चीन और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान में कश्मीर का राग भी अलापा था। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से सीपेक कहते हैं कि चीन की घटिया रणनीति का हिस्सा है, जिसका भारत हमेशा से विरोध करता रहा है। चीन द्वारा बार बार भारत के आंतरिक मुद्दे पर हस्तक्षेप देखने को मिलता है। ऐसे में भारत को भी अब ताइवान के जरिए ही उसे उसी जो दवा है उसका स्वाद आज जरूर चखाना आवश्यक हो जाता है। अब ताइवान के मुद्दे पर दुनिया दो गुटों में बटी नजर आ रही है, तो भारत का घटनाक्रम निगरानी कर रहा है, लेकिन भविष्य में वो चीन को बड़ा झटका दे सकता है।
भारत के पास भी ताइवान कार्ड के जरिए चीन को सबक सिखाने का बेहतरीन अवसर मिला है। हालांकि भारत के इलाके में चीन की घुसपैठ बढ़ी तो भारत ताइवान के मुद्दे पर अपना स्टैंड बदलना शुरू कर दिया था। वास्तव में एलएसी के चीनी घुसपैठ भारत के धैर्य को परखने में बीजिंग की रणनीति का हिस्सा रहा है। पूर्व की सरकारों ने चीन की दमबदली का कोई मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब स्थिति ऐसी है, बदलाव ऐसा हुआ कि चाहे गलवान की में चीन की घुसपैठ हो, उसका मुंहतोड़ जवाब देना हो, या एलएसी की बुनियादी ढांचों को निर्माण को विस्तार देना हो, भारत अब चीन की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। यही नहीं, सैन्य अभ्यास के जरिए दक्षिण चीन सागर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। ताइवान चीन के लिए संवेदनशील मुद्दा है और इसके बाद तिब्बत का नंबर आता है। चीन की वन चाइना पॉलिसी के तहत दशकों तक ताइवान को अपने क्षेत्र को बता अन्य देशों से उसे दूर रखने का प्रयास किया है। बाद जम्मू कश्मीर पर चीन के एजेंडे का स्टैंड का बदला तो ताइवान के जरिए ले सकता है। आपको बता दें, साफ तौर पर यह चीन की ही है जो रणनीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब जब पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाता रहा है तब तक वो उसका साथ देता रहा है। पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने के रोकने के पीछे चीन की बड़ी भूमिका रही है, ताकि वो पीओके से लेकर के भारत की रणनीति को खिलाफ चीन के मैदान में कहीं ना कहीं चीन मैदान में दिखाई दिया है। ऐसे में भारत ताइवान को मजबूत कर चीन की उसको असली औकात दिखा सकता है। पिछले कुछ समय से भारत ने ताइवान के साथ व्यवहारिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जो है संबंध में विस्तार किया है। भारत ने खुलकर तो नहीं, लेकिन चीन के खिलाफ ताइवान कार्ड जरूर खेल रहा है। कई देश जो ताइवान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देते हैं, वे ताइपो के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने के नए तरीके खोज रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ताइवान संबंध जितना अन्य देशों से मजबूत होंगे, चीन की नीतियां उतनी ही उसकी धज्जियां उड़ेंगी। बात भी उन देशों के में शामिल है जो ताइवान के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। वर्ष 2016 के विपरीत और वर्ष 2020 में भारतीय सांसद मीनाक्षी लेखी ने साई इंग वेंग के शपथग्रहण समारोह में ऑनलाइन हिस्सा लिया था, और इस तरह भारत ने चीनी नीतियों की धज्जियां उड़ाई हैं। और इसी के साथ भारत इसके अलावा भारत और ताइवान के बीच व्यापारिक संबंध में भी वृद्धि देखने को मिली है। आंकड़ों में देखा जाए तो वर्ष 2000 में भारत के ताइवान से मिलकर कुल $1 बिलियन का व्यापार हुआ था, जो 2019 में $7.5 बिलियन पहुंच चुका है। इससे चीन ने भारत ने चीन को सख्त संदेश दिया था, वो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन नहीं करता है। इसी क्रम में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चर सेंटर इन इंडिया TCC जिसे कहते हैं TECC और भारत ताइपे एसोसिएशन ITA के बीच एक समझौता भी किया गया है। अब इन सबके बीच में बता दें आपको कि भारत का ताइवान में भी ऑफिस है और जो भारत ताइपे एसोसिएशन से संचालित है। भारत ने वर्ष 2018 में ताइवान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमेरिका गौरालाल दास के भारत ताइपे एसोसिएशन का महानिदेशक भी नियुक्त किया था। वर्ष 2018 से दोनों सरकारों के बीच प्रौद्योगिकी यानी IT क्षेत्र में ऊर्जा, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार करने का प्रयास देखने को यहां पर मिल रहा है। इसके अलावा एप्पल आईफोन के 3 सबसे बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, फॉक्सकॉम, विंस्टिन और पेगास्ट्रॉन, भारत में आईफोन के लिए अपने प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है विस्तार कर रहे हैं। आंकड़ों को देखें तो वर्तमान में 80 से भी ज्यादा ताइवान की कंपनी और एंटिटी भारत में काम कर रही हैं। भारत और ताइवान के मजबूत होते संबंध चीन के लिए टेंशन में है, और इस बीच आपको बता दें क्वाड जो है वो चीन की दादागिरी को भी खत्म कर रहा है। बता दें आपको भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इस क्वाड में शामिल है। भारत क्वाड के जरिए ताइवान को समर्थन के लिए खड़ा है, और उसके कारण उसके अपने भी कारण ये है कि हालांकि ताइवान और क्वाड दोनों के पास एक दूसरे के संबंध बढ़ाने की अपनी अपनी वजहें हैं। चीन की विस्तारवादी नीति आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय जो सीमाओं का उल्लंघन कर सकता है। क्वाड के देश ताइवान को चीन के खिलाफ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ताइवान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्वाडो को इंडो पैसिफिक और डेमोक्रेसी का समर्थन और करने और चीन की आक्रामकता को संतुलित करने के अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सकता है। साफ तौर पर चीन को उसके हर मोर्चे पर भारतीय और भारत सरकार जवाब दे रही है, और आने वाले वक्त में चीन के हालात जो ताइवान चीन को लेकर कहीं ना कहीं ताइवान चीन को लेकर बौखलाया जो चीन है ताइवान को लेकर बौखलाया हुआ है, लेकिन पीओके को लेकर कश्मीर को लेकर इसका रंग पाकिस्तान के साथ कैसा रहता है, वही औकात अब भारत दिखाएगा चीन को इस पूरे के पूरे अब युद्ध में, उस जंग के मैदान में। बहुत बहुत धन्यवाद।